रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग का माहौल है। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्री रामलला के गर्भगृह के अंदर पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर आकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज के आनंद का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इस आनंद को पाने के लिए पिछले 500 सालों में कितने ही लोगों ने खून पसीना बहाया है, उनके लिए हम सभी कृतज्ञ हैं। रामलला के साथ भारत का स्वाभिमान लौट आया है। इस दौरान मोहन भागवत ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने आज की पूजा के लिए कठोर व्रत रखा है। उन्होंने पीएम मोदी को एक तपस्वी बताया और कहा कि अब तप करने की हमारी बारी है, राम राज्य आने वाला है। संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे पूर्ण देश में यही वातावरण है। छोटे छोटे मंदिर के सामने दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोड़ों बंधु वहां पहुंच ना पाए, ऐसे घर घर के हमारे नागरिक सज्जन माता भगिनी सब भाव विभोर है। सब में आनंद है, सब में उत्साह है। और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल होने के बाद कहा कि ये पल 500 वर्षों के इंतजार के बाद आया है। मंदिर वही बना है जहां का संकल्प किया था। आज भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम प्रतीत हो रहा है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की तरफ आ रहा है। हर जीव राम राम जप रही है। पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। राम मंदिर बनाने के लिए संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, सभी समाज के लोगों ने खुद को समर्पित कर दिया है। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा प्रभु रामलला के भव्य दिव्य और नव्य धाम विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई है। इस क्षण मन भावुक है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हजारों की संख्या में पहुंचे गणमान्य अतिथि इस शुभ अवसर के साक्षी रहे। साथ ही विश्व भर के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस अवसर का आनंद उठाया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।